दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो भाई, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हर हर महादेव और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई, आज है शिवरात्रि और आज जाना था हमें दिल्ली के किसी मंदिर में, क्योंकि भाई वृंदावन तो आज आना जाना हो नहीं सकता एकदम से। और भाई पूरी फैमिली का हमारा प्लान था कि हम आज दिल्ली के किसी मंदिर में जाएंगे। तो भाई दो जगह गए हम, दोनों जगह मिली हमारे को काफ़ी ज़्यादा भीड़। एक तो प्रीत विहार शिव मंदिर में और एक मयूर विहार शिव मंदिर में। तो भाई काफ़ी भीड़ देखने के बाद अब आ चुके हैं हम इस्कॉन टेम्पल। कौन सा वाला? लाजपत नगर वाला। तो भाई वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल तो बहुत दिखा दिया आपको, आज दिखाऊंगा दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल। भाई यहाँ लगा दी हमने पार्किंग में अपनी बाइक, ये गोलू और गिन्नू भी आई है, वो आ गया है, आगे चलते हैं उसको भी देखते हैं। और भाई यहाँ हो रहा हमारा फेमस भंडारा। भाई भंडारा खाएंगे नहीं आज, क्योंकि आज है हमारा व्रत, किसका? महाशिवरात्रि का। पूरी फैमिली जो हमारे साथ आई है इस्कॉन टेम्पल, और ये है इस्कॉन टेम्पल का मेन गेट। यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं आज दिल्ली वाला इस्कॉन टेम्पल। भाई मंदिर के मेन गेट के पास ही आपको ऐसी फूल माला की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप अंदर चढ़ाने के लिए फूल माला प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर में चढ़ाने के लिए हमने ले लिया मोर के चंदा। ये हमारी बुआ जी और ये हमारे फूफा। हम कह रहे थे कि सिंगल ले लो, इन्होंने कहा कि नहीं, हर चीज का जोड़ा होता, तो मोर पंख का भी हम जोड़ा ही चढ़ाएंगे। कराते हैं चैटिंग, चलते हैं अंदर। भाई यहाँ से आने के बाद आपको लेफ्ट हैंड पे दिख जाएगा शू स्टॉल, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल और अपना सामान भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। हम भी चलते हैं भाई, अपने जूते जमा करते हैं सबसे पहले। यहाँ से आने के बाद राइट हैंड पे आपको दिख जाएगा ऑडिटोरियम, यहाँ से जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो भाई यहाँ भी लेफ्ट हैंड पे आपको ऐसी दुकानें देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पर राधा कृष्ण जी का, जहाँ पर ऐसी बुक्स वगैरह गिफ्ट की शॉपें हैं काफ़ी सारी, यहाँ पे आप खाने का भी सामान ले सकते हैं। भाई बड़ा प्यारा सा गुंबद बना हुआ है ये, यहाँ पर काफ़ी सुंदर लग रहा है ये देखने में। और इसी के सामने है वहाँ पर मंदिर। ये पूरा प्रांगण मंदिर के बाहर बना हुआ है, जो यहाँ पर भी लोग बाग बैठते हैं और भक्ति में लीन होते हैं हमारे श्री कृष्ण जी के। और भाई जैसा कि हर इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण जी के भजन चलते रहते हैं, इसमें भी ऐसे ही भजन चल रहे हैं। अंदर चलते हैं भाई, देखते हैं, सामने ही लगी हुई है राधा कृष्ण जी की बहुत ही भव्य तस्वीर। यहाँ लगी हुई है हमारे इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक स्वामी श्री अमर भगवान जी की मूर्ति, और सामने ही लगी हुई है राधा कृष्ण जी की भव्य मूर्ति। देख सकते हो क्राउड कितना हो रहा है, हमारे कृष्ण जी को मानने वाले बहुत लोग हैं। और एक कहावत भी है मथुरा वृंदावन की, कहावत भी है मथुरा वृंदावन की, के मथुरा के आगरा के पागल खाने से आपको रिहाई मिल सकती है, मथुरा वृंदावन के पागल खाने से रिहाई नहीं मिल सकती। तो बोलो जय श्री राधे। अभी काफी भव्य मूर्ति लगी हुई है हमारे नरसिम्हा अवतार की, श्री विष्णु जी के अवतार नरसिम्हा अवतार की, स्वामी शिला प्रभुपाद जी के साथ राधा कृष्ण जी की भव्य मूर्ति। एकदम शानदार जो फीलिंग आ रही है ना भाई। हमारे साथ जो बंदरा था वो ऊपर चढ़ चुका है, ये देखो कहाँ चढ़ चुका है भाई। बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है हमारे राधा कृष्ण जी की। भाई ये है अपना पूरा इस्कॉन टेम्पल। भाई ये अपना पूरा मंदिर, और यहाँ से रास्ता बना हुआ है परिक्रमा का। तो भाई यहाँ से चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। जय श्री राधे। ये अपना परिक्रमा मार्ग, और यहाँ पे भाई बहुत ही सुंदर सुंदर आपको ऐसी पेंटिंग देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि राधा कृष्ण की यहाँ पे लगाई हुई है। काफ़ी सारी पेंटिंग्स यहाँ पे लगाई हुई हैं राधा कृष्ण जी की, और हर एक पेंटिंग अलग ही कुछ कहती है।
अलग ही दास्तां बयां करती है कृष्ण जी की। देख सकते हो कितनी सुंदर पेंटिंग है, ये पेंटिंग बता रही है कि हमारे कृष्ण जी राधा रानी को कैसे मना रहे हैं। पेंटिंग बनी हुई है, ये अपनी कनकी उंगली पे उठाया हुआ है हमारे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत। भाई कृष्ण जी की दीवानगी देख सकते हो, लोगों के सिर चढ़ के बोल दिया भाई गोन टेंपल में, सारे लोग एक साथ खड़े हो चुके हैं। अब ये कृष्ण जी का भजन कीर्तन करेंगे और हरे कृष्ण हरे रामा नाम जपेंगे। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। भाई दर्शन करके अभी आ चुके हम बाहर की तरफ, काफी आनंद आया हमें मंदिर में और काफी एंजॉय किया हमने, राधा कृष्णा कर करके काफी एंजॉय किया और मन को भी काफी तसल्ली मिली, मन को भी काफी शांति मिली यहाँ पे दर्शन करके और राधा रानी जी का नाम जप के। तो भाई हमें तो काफी मजा आया, काफी शांति महसूस हुई हमारे को मंदिर के अंदर राधे कृष्ण करते करते। और भाई अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और मथुरा वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो भाई दिल्ली के इस गोन टेम्पल में आओ और राधा कृष्ण नाम जपो और एक अलग ही शांति का अनुभव लो। जय श्री राधा। यहाँ बनी हुई है हमारे विष्णु जी की काफ़ी अच्छी मूर्ति। तो भाई बताते हैं यहाँ पे लेजर शो भी होता है और फाउंटेन का भी काफ़ी अच्छा शो होता है। तो भाई अभी तो मेरे घर से फ़ोन आ रहे हैं, हो सकता है मैं अपने परिवार के साथ दोबारा से इस गोन टेम्पल आऊँ, अभी बिल्कुल घर जाने के बाद हो सकता है मैं वापस से आऊँ, क्योंकि भाई आज है मेरा व्रत और मेरा व्रत खोलने का भी टाइम हो रहा है और हमारे पास टाइम नहीं है लेजर शो देखने का। तो भाई अभी तो चलते हैं हम घर की तरफ और फिर देखते हैं घर वाले वापस आएंगे या नहीं आएंगे या फिर क्या करना है क्या नहीं करना, आगे आपको वीडियो में पता चली जाएगा। तो बोलो राधा कृष्ण। भाई यहाँ बना हुआ है काफ़ी सुंदर सा गार्डन मंदिर के सामने ही है, यहाँ पे बैठ के आप अपना पीसफुल राधा रानी जी कृष्ण जी का नाम ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी इन्जॉय कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। और भाई वहाँ बनी हुई है सामने हमारे कृष्ण जी का फाउंटेन और यहाँ बना हुआ है ब्रह्मचारी आश्रम, अंदर के लिए एंट्री नहीं है, होती तो जाके देखते हम भी। और भाई सामने अपना मंदिर है ही, यहाँ बने हुए अपने प्यारे से कान्हा जी जो ऊपर चढ़े हुए हैं कालिया नाग के, और ये बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन है जो अभी है बंद और इसको तो भाई जानते होंगे, ये आए हमारे साथ है राधा कृष्णा, जय श्री राधा। तो भाई इस गोन टेम्पल घूम के और शिवरात्रि मना के आ चुके हम अपने घर। भाई शेविंग भी करवा ली मैंने, बाल भी कटवा लिए, क्यों, क्योंकि कल मुझे जाना है वृंदावन, आप लोगों के लिए होली की वीडियो भी तो बनानी है, वो भी तो आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। और भाई जैसा कि मैंने बरसाने की वीडियो में कहा था कि मैं बरसाना वापस आऊँगा, तो भाई अब जाऊँगा मैं बरसाना वृंदावन और नंदगांव, सब जगह के आपके लिए वीडियो बना के लाऊँगा और भाई बताऊँगा आपको कि वृंदावन में क्या है हाल होली के,
तो भाई आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव लिखना ना भूलना। जय श्री राधे।